जब मैंने 16 का पिन दिया और मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, सब बोलने लगे कि यार तो इंस्पेक्टर बन जाएगा इस बार, तो तूने ऐसे क्यों डाली, अब मुझे भी डर लगा। तो कुल मिला के ऑडिटर अच्छी जॉब है। हाय एवरीवन, मेरा नाम लालचंद रैना है और मैं जयपुर के पास निवाई के पास एक छोटा सा गांव है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको ऑडिटर के बारे में बताऊँगा बिकॉज अभी तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ तमिलनाडु जोन में, लेकिन इसके पहले मैं ऑडिटर था और CGDA में। तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही थी इसी ऑडिटर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑडिटर के बारे में बताता हूँ आज आप सभी को CGDA के बारे में। CGL 16 से ऑडिटर लगा था मैं। मेरी ज्वाइनिंग मई 2018 में हुई थी और मैंने लगभग 2.5 साल एज ऑडिटर काम किया है। तो मैं बताऊंगा आपको कि ऑडिटर क्यों लेना चाहिए, किसी को क्यों प्रेफर करना चाहिए ऑडिटर अगर आपको इंस्पेक्टर वगैरह नहीं मिल रही है। तो मुझे ऑडिटर के बारे में कुछ पता नहीं था। CGL 16 के फॉर्म डालते टाइम मैंने फॉर्म में इस ऐसे डाला था कि सबसे ऊपर मैंने TA डाला था, उसके बाद में फिर TA की जितनी भी है उसके बाद में फिर अकाउंटेंट ऑडिटर सबसे नीचे इनकम टैक्स। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे एग्जाम फॉर्म ऐसे डाला था कि हाँ सिलेक्शन तो होने से रहा और डाल देते हैं क्या है। तो उस टाइम यह था कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन करना होता था कि आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हो। बाद में जब मैंने 16 का प्री दिया और मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, सब बोलने लगे कि यार तो इंस्पेक्टर बन जाएगा इस बार, तो तूने ऐसे क्यों डाली, अब मुझे भी डर लगा कि यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर चलो कोई ना TA तो बन ही जाएंगे, ये उम्मीद जब प्री में अच्छे बनाए ना उसके बाद हुई। उस फिर क्या मेरे मेंस में मेरा मेंस बिगड़ गया, पूरी तरह से बिगड़ गया। तो मेरा तो मुझे ऑडिटर मिली लास्ट में CGDA में और वो भी चेन्नई जोन में, रैंक नीचे थी तो चेन्नई जोन मिला, ट्रिची ओल्ड फैक्ट्री में यहाँ पे मिला मुझे। और ज्वाइन करने के बाद 1.5 महीने के बाद हमारी चेन्नई में ट्रेनिंग हुई थी 45 डेज़ की। उसके बाद में 4-5 महीने बाद PCA कोलकाता में बार ट्रेनिंग हुई थी, इंडक्शन कोर्स हुआ था 15 दिन का, मतलब 2 हफ्ते का। ये तो हमारा ट्रेनिंग हुई। CGDA में मुझे तो ऑर्डनेस फैक्ट्री मिली थी, ऑर्डनेस फैक्ट्री ट्रिची मिली थी जो यहाँ पे इंसेंस राइफल बनती है यहाँ पे। और बाकी CGDA में किसी को एयरफोर्स स्टेशन मिला था, किसी को BRO भी मिला था, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ CGDA में वर्क लाइफ बहुत अच्छी है, आपको कुछ ऑफिस में भी इतना प्रेशर नहीं रहता काम का, और उसके साथ साथ आप अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, जैसे वैसे लोग कहते हैं कि UPSC ऑडिटर और DA ऐसी वैकेंसी CGL में ऐसी पोस्ट है उसमें आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, जैसे UPSC वगैरह की अगर कोई करना चाहे तो हाँ कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको आपके पास पूरा टाइम मिलता है। और अगर आपके सीनियर अच्छे हैं और वो आपको इनकरेज करते हैं तो फिर तो ऑडिटर इज़ ए बेस्ट चॉइस फॉर यू अगर आप UPSC करना चाहते हो तो, क्योंकि 2-3 घंटे का मैक्सिमम काम होता है तो आप कर सकते हो UPSC की आगे। और ऑफिस टाइमिंग वही है 9:15 से 5:45। ऑडिट का वर्क नेचर बताऊँ तो मतलब वर्कलोड बिल्कुल नहीं है, मोस्टली बहुत सारे मेरे दोस्त सभी से यही पता चला कि वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है ऑडिटर में। हाँ कोई सेक्शन ऐसा है जो वहाँ पे थोड़ा कुछ होता होगा, वरना मेरे सेक्शन में तो बिल्कुल नहीं था। अभी मेरी पोस्टिंग हुई थी वो OFB में हुई थी, OFB मीन्स ऑर्डनेस फैक्ट्री बोर्ड, अभी तो ये PSU में चला गया, पहले गवर्नमेंट बॉडी थी ये। और बाकी किसी की जैसे पेंशन ऑफिस हो गए या जो लोकल अकाउंट्स ऑफिस हो गए और BRO हो गए, आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और ऑडिटर में आपको अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, जैसे पे सेक्शन हो गया, लेबर सेक्शन हो गया, फंड सेक्शन हो गया, डिसबर्समेंट हो गया जिसमें सैलरी या जो भी
मॉनेटरी रिलेटेड डिस्पर्समेंट होता है वो सेक्शन हो गया और मटेरियल सेक्शन हो गया। और अगर प्रमोशन की बात करें तो ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने में सीनियर ऑडिटर तीन चार साल में बन जाते हैं। पहले 3 साल था, अभी बात चल रही है कि 6 साल हो गया, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। और अगर आप एसएससी क्लियर कर लेते हो, अगर ऑडिटर जैसे आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में एसएससी एग्ज़ाम होता है, अगर आप एसएससी क्लियर कर लेते हो तो आप डब्ल्यू बन जाओगे। उसके बाद तो ऑडिटर के बाद आप डब्ल्यू बन सकते हो, और अगर एक बार आप डब्ल्यू बन गए तो फिर आपके पास आप सीएफए तक जा सकते हो। अगर हाँ, और ट्रांसफ़र के लिए यह है, वैसे ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है 3-4 साल के बाद मोस्टली हो ही जाता है। और अगर आपको आपका अगर जैसे आप और होम स्टार्ट चाहते हो या ऐसा जहाँ कि वहाँ मुझे लेना है और वहाँ पे नहीं चांस नहीं है ज़्यादा मिलने के, तो सबसे बढ़िया है कि आप कोई हार्ड स्टेशन चूज कर लो। जैसे अभी तमिलनाडु में ऊटी है, राजस्थान में शायद बीकानेर है, या फिर आप जम्मू साइड उधर जा सकते हो, लेह लद्दाख उधर जाके। तो वहाँ पे आप जॉब 2 साल जॉब करने के बाद आपको जहाँ आप चाहोगे वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये एक सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सीजीएल 16 में मेरे साथ जो ऊटी है यहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे 5 बंदे आए थे, उनमें से 3-4 बंदों का ट्रांसफ़र हो गया विद इन 3-3.5 साल में उनका ट्रांसफ़र हो गया। और वो एक तो जयपुर के पास का है, उसको जयपुर मिल गई, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। लोग इंस्पेक्टर छोड़ के टीए वगैरह ज्वाइन करते हैं होम स्टे, तो उससे तो अच्छा है कि आप ऑडिटर लेके दो साल तक आप जॉब करो, उसके बाद में हार्ड स्टेशन ले लो, और उसके बाद में 2-3 साल के बाद में आप होम स्टेट जा सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है इसमें। और जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे मैं अभी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, जो मैंने मतलब ऑडिटर बनने के बाद ऑडिटर में 2.5 साल जॉब करने के बाद बना हूँ मैं, तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से खूब टाइम मिलता है आपके पास। अगर पढ़ना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो आपकी स्टडी को लेके, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, यूपीएससी वगैरह कुछ भी कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। आप फैमिली को टाइम देना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छी जॉब है, और होम स्टे लेना चाहते हो या आपको घर के पास रहना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज लगभग हर स्टेट में ऑफिस है सीजीडीए के, तो आपको आराम से मिल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रांसफ़र के लिए आप स्पाउस बैकग्राउंड में भी जा सकते हो, तो उसमें भी आपको कंसिडर कर सकते हैं आराम से, तो ये भी एक अच्छी बात है। जैसे भी बहुत सारी जैसे एक्साइज में नहीं करते, अभी एक्साइज में 2-3 साल से ट्रांसफ़र बैन हो रखे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो एक्साइज छोड़ के होम स्टेट टीए जा रहे हैं, कोई ऑडिटर जा रहा है। अगर आपको इंस्पेक्टर वगैरह नहीं मिल रही है तो वैसे भी अच्छे, लेकिन लोग पहले 4600 ग्रेड पे कंसिडर करते हैं, उसके बाद में 4200 और उसके बाद में 2800, तो उस हिसाब से ऑडिटरी बहुत अच्छी है।